फ्रेंड्स, मेरी पोएम का टाइटल है सफ़र नौदे का। नौदे के 7 वर्ष ऐसे बीते जैसे कोई बेहतरीन ख्वाब था। सफ़र इतना आसान नहीं था, क्योंकि जिस उम्र का हर कार्य मम्मी पापा के सहारे होता है, वो सब कुछ अकेले करना था। प्रातःकाल पीटी से लेकर रात में सोने तक का अनुशासन था, पर हर चीज़ को जिया है। पढ़ाई से लेकर खेल कूद भी सीखा है। क्लस्टर रीजनल यानी नौदय का मेला था, जिसमें खेल कूद की प्रतियोगिता के लिए सभी नौदय का सम्मेलन था। सब बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर, और हमें मेज में बहुत अच्छा खाने को मिलता था। रक्षाबंधन, होली, रावण दहन, ये नौदय के पर्व थे जिनका बेसब्री से इंतज़ार होता था। तब हर छोटी छोटी चीज़ों में भी बेहद खुशी मिलती थी। 15 अगस्त 26 जनवरी को हम इसलिए ज़्यादा खुश होते थे क्योंकि हमें टीवी देखने मिलती थी। तब टीवी देखने का अपना ही एक मजा था। 10th 12th की एग्ज़ाम मानो हम जंग में युद्ध करने जा रहे हों, ऐसी तैयारी होती थी कि इसके आगे अब कुछ है ही नहीं। नवोदय वो ज्ञान का मंदिर है जिसने हर बच्चे को आत्मनिर्भर बनाया है। मुझे खुशी है कि मेरी ज़िंदगी का सफ़र नौदय से होकर गुजरा है। हमेशा ये कहते हुए मुझे गर्व महसूस होता है, हम ही नौदय हो, हम ही नौदय हो। मिस यू नौदया, यू आर ऑलवेज इन माई मेमोरी। थैंक यू।